जय श्री महाकाल। आदेश। तो ये अमावस्या पे ये सभी साधक आए हुए थे तम पिशाच साधना के लिए और सभी ने साधना की और इस बार बाबा महादेव की कृपा से सभी की साधना संपन्न हुई और निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई, क्योंकि पिछली बार ये जितेन जी हैं ये आए हुए थे और ये अनुज जी हैं, तो इनकी जो साधना थी जो पिछली बार इन्होंने की थी शायद जनवरी में की थी, तो वो साधना जो है विफल हो गई थी और उसमें काफी दिक्कतें आई और समस्याएं भी आई, इनको भी आई और हमें भी आई थी। तो ये साधना जो अभी हुई है तो ये निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई और इन लोगों ने साधना को किया और साधना करने के बाद इनके जो भी अनुभव थे या जो भी अनुभूतियां थी तो ये जो है आगामी वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा। और जैसे अनुज जी आपने जो साधना की पिछली बार जो दिक्कतें हुई थी इस बार कैसा रहा? गुरु जी पिछली बार जो था तीक्ष्णता बहुत आई थी तो शक्तियों की प्रसन्नता ने हमें घेर लिया था जी जी, तो जी। किसान विफल हो गए थे जी। लेकिन इस बार जो थे पूर्ण विश्वास से आए थे महादेव बाबा से प्रार्थना करके आपके आशीर्वाद से हमारी साधना बिल्कुल सफल हुई है। हाँ, तो इस साधना में आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ आपकी चूक रही पिछली बार, कहाँ गलतियां रही वो इस बार आपने नहीं दोहराई और साधना निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। जितेन जी आपका कैसा रहा? जय श्री महाकाल गुरु। जय श्री महाकाल। जैसा कि अनुज जी ने बताया कि जो पिछली बार हमने गलतियां की थी इस बार नहीं दोहराई जी। और लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो उस समय मेरा कुछ खास अनुभव नहीं रहा था, कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा तीक्ष्ण था। जब परिक्रमा शुरू की तो पहले ही परिक्रमा से चक्कर आने शुरू हो गए। जब परिक्रमा पूर्ण हो गई उसके बाद तो बिल्कुल नशे जैसी स्थिति हो गई, ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा जी। तो तीक्ष्णता थोड़ा सा रही है। और रमेश जी आपका कैसा रहा, साधना कैसी थी आप ये बताइए, मतलब जैसा आपने अंदाजा लगाया था उस हिसाब से कैसा रहा ये? उस अंदाज से तो साधना बहुत खतरनाक और भयंकर वाली जी जी। आप ही सबसे उम्रदराज हैं, वो आपने जब ये कर ली हाँ। तो हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अगर उसमें समर्पण भाव नहीं है तो उसके लिए संभव नहीं है। नहीं है जी, ये तो हिम्मत और समर्पण होना चाहिए। भोलेनाथ की कृपा से, आपकी कृपा से होगा तो जरूर कर पाएगा जी जी। लेकिन ऐसा वो मैं कर लूंगा करके आएगा तो नहीं है संभव। संभव है। चलिए अब निशान जी से करते हैं। और निशान जी आप काफी डरे हुए थे साधना के लिए, जैसे मगर तो आप काफी डरे हुए थे इस साधना के लिए, तो आपको थोड़ा सा समझाया और कुछ चीजें बताई वो आपने फॉलो करी, हालांकि सिचुएशन गड़बड़ाई थी तो फिर मुझे कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ी जी। आप बताइए। दरअसल छठे जब पैर उठाने वाली क्रिया होती है जी, तो जैसे ही छठी गिनती पे मैं जग गया तो मुझे लगा आप गिरने वाला हूँ जी। तभी आप आए, आपने बोला कि भाई आराम से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दरअसल दिमाग में बहुत विचार चल रहे थे उस समय कि अब बस पैर लगने वाला है, फिर आना पड़ेगा। फिर जब आपने समझाया मुझे, थोड़ा सा आपने मोटिवेशन दिया, तो मैंने कोशिश करी दोबारा से करने की। फिर 10वें 11वें पे पहुंच के मुझे कंफ्यूजन हो गया, 10 हुए हैं कि 11 हुए हैं जी जी। और उसमें मैं बिल्कुल ऐसे हो रहा था, मैं गिरने वाला था। हां बिल्कुल हिल रहे थे। तब आपने बोला कि भाई तुम कर लो, एक काम करो। फिर मैंने करा तो फिर साधना अच्छी तरह से हो गई जी। विनोद जी आपका जो है, आप शायद पहली बार सानिध्य साधना के लिए आए हुए हैं है ना जी, तो सानिध्य साधना के आपके कैसे अनुभव रहे हैं? अनुभव ऐसा था कि जब शक्ति जुड़ी जी तो अभी अनुभूतियों के बारे में बात नहीं करते, अभी जो जिस माहौल में आप आए हैं जी जी, जिस जगह आप आए हैं, यहाँ जो साधकों से आपका मेल जोल रहा है या जो महंत जी हैं, इस जो मंदिर है जो यहाँ पे जहाँ साधनाएं होती हैं उनका कैसा कैसे सिस्टम रहा, बाकी अनुभूतियों के बारे में अपन लोग अलग से चर्चा करेंगे। नहीं, काफी अच्छा माहौल मिला है यहाँ पे जी। और साधकों को मैं तो ये मानता हूँ कि एक प्रॉपर पूरा सिस्टम मिल रहा है यहाँ पे जी। मंदिर भी है, पूरे हर जो कार्य करने हैं, जो हर साधना के लिए जो प्रॉपर जगह चाहिए वो है ये जी। और काफी ज्यादा सपोर्टिव टीम है यहाँ की सारी की सारी, और किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आती है जी। और समस्या आती है तो भी साथ में जो आते हैं वो काफी मदद करते हैं इस मामले में। हाँ, वो साधक परिपक्व है क्योंकि लगभग सभी लोग दो दो तीन तीन बार आ चुके हैं, आप पहली बार आए हो, इन्होंने भी लगभग दो तीन साधनाएं करी हैं, प्रारब्ध परिवर्तन साधना भी करी है और ये साधना सहितम पिशाच की, दो ही साधना करी है आपने। हाँ, और इन्होंने तीन चार साधना करी है, इन्होंने प्रारब्ध परिवर्तन साधना की है निशांत जी ने, और वो पीर साधना की है और रक्त वेताल साधना की है, अब ये महाप्रेय साधना के लिए आए हुए थे। तो बस ये है जो साधक आए हुए हैं तम पिशाच साधना के लिए, तो अभी उनकी जो छोटे से अनुभव या छोटी सी चर्चा थी वो आप सभी ने समझी और देखा, तो बस अब अभी की चर्चा को विराम देते हैं, इस वीडियो को रोकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।